Dear friends, Assalam-o-Alaikum and welcome to your social science class. Uh, well, dear students, our uh, today's topic is locating places on the earth. You will please refer chapter number three on page number twenty of your textbook. Uh, the topic is there: locating places on the earth. When you go to a new place, you observe certain

तो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स वहाँ पे होते हैं मसलन या कोई बड़ा सा दरख्त होता है या कोई पहाड़ी होती है या कोई दरिया होता है ठीक है कोई रिवर कोई हिल कोई ट्री कुछ ऐसा नेचुरल वहाँ पे होता है तो ये चीज़ जो चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे ये फीचर्स ये हमें उस जगह को लोकेट करने में हमारी मदद करते हैं ऐसे फीचर्स को हम लैंडमार्क्स कहते हैं या पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस सच थिंग्स आर कॉल्ड लैंडमार्क्स और पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस तो इनके बगैर हमें किसी जगह को लोकेट करना जो है इस बड़े प्लेनेट अर्थ पर किसी जगह को रेफरेंस पॉइंट के बगैर या लैंडमार्क के बगैर लोकेट करना जो है डिफ़िकल्ट है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सो

From where we can begin to measure the distance of a place, Earth जो है spherical है shape में, ठीक है? इसका कोई corner नहीं है कि जहाँ से हम शुरू करते इसको measurement करना, जहाँ से इसको measure करना हम शुरू करते कि कहाँ से कहाँ हम इसका distance जो है हम शुरू करेंगे measurement वहाँ से किसी खास point से, so that's not the case here when we talk of Earth because it is a spherical uh, बॉडी uh, ये एक स्फेरिकल uh, चीज़ है तो इसके इसका कोई कॉर्नर नहीं है बट देर आर टू रेफरेंस पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस लेकिन एक अर्थ की जो सरफेस है इस पर दो रेफरेंस पॉइंट्स है दीज टू पॉइंट्स आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ठीक नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो हमारी अर्थ पर जो है जियोग्राफी फी के जो साइंटिस्ट्स हैं तो इन्होंने रेफरेंस पॉइंट्स के तौर पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मुंतखब किया है तो इन की मदद से हम जो है ये किसी जगह को लोकेट करने में ये बुनियादी रोल बेसिक uh, रोल ये प्ले करते हैं दीज आर द टिप्स और द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सीस ऑफ द अर्थ तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है ये है टिप्स और एंड पॉइंट जो एक्सीस है अर्थ की जिस पे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है एक्सीज पे तो उस उस एक्सीस के ये टिप्स या एंड पॉइंट्स हैं एक है साउथ पोल एक है नॉर्थ पोल ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं या टिप्स हैं इन दोनों जगहों पे एक्सीज के अर्थ की एक्सीज के फॉर लोकेटिंग प्लेस दीज टू पॉइंट्स एक्ट एज बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस तो इस वजह से ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस हैं जो किसी जगह को लोकेट करने में हमारी मदद करते हैं इफ यू होल्ड ए ग्लोब

एंड मार्क ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स नियर द मिडल ऑफ द ग्लोब इसको हम रोटेट करेंगे आहिस्ता आहस्ता और इसके मिडल में हम आ, वो पॉइंट्स जो हैं डॉट्स जो हैं वो डालते जाएंगे सीरीज ऑफ डॉट्स इसको रिवॉल्व करते हुए सीरीज ऑफ़ डॉट्स इस पर डालेंगे तो इससे क्या होगा इफ़ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स इट विल फॉर्म अ बिग सर्कल अराउंड द ग्लोब फिर ये डॉट्स जो है अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे इनको आपस में मिलाएंगे तो एक बहुत बड़ा सर्कल बने बनेगा जो इस ग्लोब के इर्द गिर्द होगा इसके अराउंड होगा तो इसी तरह से जमीन के अराउंड जो है हमने हम समझते हैं कि एक जो है एक सर्कल है तो ये सर्कल जो है ये इमेजनरी सर्कल है दिस सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब तो ग्लोब पर सबसे लार्जेस्ट सर्कल जो है वो यही होगा जो बीच में होगा इसके सेंटर में होगा इट इज कॉल्ड द इक्वेटर इट इज कॉल्ड द इक्वेटर इक्वेटर क्यों कहते हैं इसको बिकॉज इट डिवाइड द ग्लोब इन टू इक्वल पार्ट्स और हाउस ये ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में इक्वल हाउस में इसको डिवाइड करता है एक इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है दूसरा इसका बॉटम वाला हिस्सा होता है ये दो इसके हेमस्फियर्स होते हैं दो हिस्से होते हैं जो नॉर्थ नॉर्दर्न हाफ होता है उसको नॉर्दर्न हेमस्फियर कहते हैं और जो साउदर्न हाफ होता है उसको हम साउदर्न हेमस्फियर कहते हैं द नॉर्दर्न हाफ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिसफियर एंड द साउदर्न हाफ इज कॉल्ड द साउदर्न hemisphere. okay, the equator divides the globe in two equal halves called hemispheres. the northern half is known as northern hemisphere and the southern half is called southern hemisphere. the equator is an imaginary circular line. the equator is an imaginary circular line and is very important reference point.

इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल यू कैन कवर ऑनली वन फोर्थ दैट इज नाइंटी डिग्री ऑफ ए सर्कल अब अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ सीधा इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो आप ट्रैवल कर सकते हैं इसका वन फोर्थ तो थ्री सिक्सटी का वन फोर्थ जो होगा वो होगा नाइन्टी डिग्री If you travel from the equator to the pole, you can cover only one fourth, that is 90 degree, of a circle. That is why the North Pole is located at 90 degree from the equator. तो इसका मतलब ये है या इससे ये बात जो प्रूव होती है कि जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पर है इक्वेटर से वो लोकेट है कहाँ 90 डिग्री पर जब हम इक्वेटर से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल पे पहुँच जाएंगे ठीक वी मैंशन द नॉर्थ पोल सिंपली एज 90 डिग्री एन तो अब इसी तरह से अगर हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे 90 डिग्री की तरफ तो हम पहुँच जाएंगे साउथ पोल पर तो साउथ पोल को हम लिखते हैं साउथ पोल विच इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री डिग्री तो इसको हम लिखेंगे साउथ ऑफ द इक्वेटर इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री एस नॉर्थ पोल को लिखेंगे 90 डिग्री एन साउथ पोल को लिखेंगे 90 डिग्री एस एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ सो साउथ पोल इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री एन एंड नॉर्थ पोल इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री एन एंड साउथ पोल इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री एस तो ये पोल्स टू पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इक्वेटर तो इसके बारे में ये जानकारी हमने आपको दी तो आज हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे अब पर्ल्स ऑफ लेटीट्यूड जो हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में बात करेंगे तो आज हम यहाँ पे ही इसको कंक्लूड करते हैं थैंक यू वेरी मच टेक केयर एंड गुड बाय